हेलो दोस्तों, वेलकम टू जेक्टे अकेडमी। आज की इस वीडियो में हम लोग विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि द्वारा समीकरण को हल करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन है 3x प्लस 4y बराबर 10, 2x माइनस 2y बराबर 2। तो ये जो आप सवाल देख रहे हैं, इसको हम विलोपन विधि से हल करने वाले हैं। तो इसको मान लेंगे समीकरण एक और इसको मान लेंगे समीकरण दो। अब क्या करना है, समीकरण एक में हम क्या करेंगे, समीकरण दो का जो ये y वाला है, ठीक है, इसका गुणांक कितना है, माइनस टू है, ठीक है। तो इससे हम गुणा कर देंगे इसमें, और समीकरण दो में क्या करेंगे, इसका जो चार है तो इसको हम समीकरण दो में गुणा कर देंगे इस प्रकार से, ठीक है। तो इस प्रकार से ये दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, चार दूना आठ, चार दूना आठ इस प्रकार से। तो चलिए अब इसको लिख लेते हैं गुना करके। तो तीन को दो से गुना, तीन दूना छः एक्स प्लस चार को दो से, चार दूना आठ वाई बराबर दस को दो से गुना, दस दूना बीस। उसके बाद इसको गुना कर दीजिए, चार दूना आठ एक्स माइनस चार दूना आठ वाई बराबर चार दूना आठ। अब क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे, समीकरण एक और दो को जोड़ देना है। तो यहाँ पर देखिए, जोड़ेंगे तो यहाँ पर प्लस एक माइनस है तो ये कट जाएगा, और इसको जोड़ दीजिए, आठ सौ कितना हो जाएगा, चौदह एक्स हो जाएगा बराबर बीस और आठ अट्ठाईस हो जाएगा। तो अब इसको हल कर दीजिए, तो ये हो जाएगा चौदह एक्स बराबर अट्ठाईस, अर्थात इसको हम लिख सकते हैं एक्स बराबर अट्ठाईस बटे चौदह। तो ये कट जाएगा, चौदह कम चौदह, चौदह दूना अट्ठाईस, यानी एक्स बराबर कितना हो गया, दो, ठीक है। अब ये एक्स बराबर दो हो गया, अब क्या करते हैं, हमें वाई का मान चाहिए। तो समीकरण एक या समीकरण दो में हम एक्स का मान रखेंगे तो वाई का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पर हम समीकरण एक में एक्स का मान रख देते हैं, समीकरण एक में एक्स का मान रखने पर, तो यहाँ पर देखिए समीकरण एक क्या है, थ्री एक्स प्लस फोर वाई बराबर टेन, ठीक है। तो इसमें मान पुट कर दीजिए, थ्री गुना एक्स का मान यहाँ कितना है, दो है, प्लस चार वाई बराबर टेन। वाई का तो मान नहीं है, हमें वाई का मान निकालना ही है। तो इसको हल कर दीजिए, तीन दुना छः प्लस चार वाई बराबर दस, इसी को लिख देना है फोर वाई बराबर दस, इधर प्लस है उससे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा फोर वाई बराबर दस, में से छः घटेगा तो चार बचेगा। अब इसको लिख सकते हैं वाई बराबर चार बट्टा, इधर गुना में इधर आएगा तो भागा में, तो ये कट गया तो वाई बराबर कितना आ गया, वाई बराबर एक आ गया। तो अतः लिख सकते हैं एक्स बराबर दो, वाई बराबर एक, यही जो है इस समीकरण का क्या है, आंसर है, ठीक है। तो यह जो विधि है इसको कहते हैं विलोपन विधि, ठीक है। विलोपन का मतलब होता है विलुप्त करना, यहाँ पर जैसे हम y को विलुप्त कर दिए, ठीक है। तो इस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। तो चलिए अब हम लोग प्रतिस्थापन विधि द्वारा इस समीकरण को सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको मान लेंगे समीकरण एक और इसको मान लेंगे समीकरण दो। प्रतिस्थापन विधि का मतलब होता है दूसरे चर को पहले चर से क्या करना है, प्रतिस्थापित कर देना है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए समीकरण एक है, तो हम चलेंगे समीकरण एक से, ठीक है। इस प्रकार से आपको लिखना है समीकरण एक से। तो समीकरण एक क्या है, यहाँ पर देख लीजिए, थ्री एक्स प्लस फोर वाई बराबर टेन। तो इससे आपको एक्स या वाई का मान निकालना है, ठीक है। चलिए हम एक्स का मान निकाल लेते हैं, तो थ्री एक्स बराबर लिख सकते हैं टेन, और इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में फोर वाई, या एक्स बराबर लिख सकते हैं टेन माइनस फोर वाई, इधर गुना में इधर आएगा तो भागा में। तो यहाँ से देखिए x का मान निकल गया, इसको मान लेंगे हम समीकरण तीन, ठीक है। अब समीकरण दो में क्या करेंगे,
एक्स का मान रखेंगे, ठीक है। तो चलिए अब लिखेंगे समीकरण दो में एक्स का मान रखने पर, तो समीकरण दो में एक्स का मान रखेंगे तो समीकरण दो यहाँ पर है 2x माइनस 2y बराबर दो, टू और यहाँ पर देखिए x का मान, तो x का मान ये हो गया 10 माइनस 4y बटे 3, ये गुना है माइनस 2y बराबर 2। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ पर इसको सॉल्व कर सकते हैं इसे 10 दुना 20 माइनस 4 दुना 8 वाई बटा 3 माइनस 2 वाई इसका बटक सुना है तो 1 बराबर 2। अब इनका जो है एलसीएम ले लेंगे तो 3 आएगा, तो यहाँ हो जाएगा 20 माइनस 8 वाई माइनस 1 तिया 3 तो 2 तिया 6 वाई बराबर 2। इसको लिख सकते हैं 20 माइनस 8 और 6 दोनों जुट जाएगा तो 14 वाई बटा 3 बराबर 2, इसका बटा जो है तो 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 20 माइनस 14 वाई को अगर 1 से गुना करेंगे तो 20 माइनस 14 वाई होगा बराबर 3 को 2 से 3 दोना 6। तो अब यहाँ से 20 रहने दीजिए और इधर से प्लस इधर आएगा तो माइनस में 6, इधर माइनस उससे जाएगा तो प्लस में 14 हो जाएगा, या तो 20 में से 6 घट जाएगा तो यहाँ पर 14 बचेगा बराबर 14 वाई। तो इसको हम लिख सकते हैं 14 वाई बराबर 14, इधर गुना में है बराबर के उसर जाएगा तो हो जाएगा 14 बट 14, ठीक है। ये कट गया तो y का मान कितना आ गया, तो y का मान आ गया 1, ठीक है। अब हम x का मान निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए x का मान ये है इस प्रकार से समीकरण 3। तो अब क्या करेंगे, समीकरण 3 में हम y का मान रख देंगे, y का मान रखने पर, तो समीकरण 3 यहाँ पर देख लीजिए क्या है, x बराबर 10 माइनस 4 और y, तो y की जगह यहाँ पर रख दीजिए, y का मान 1 आया तो 1 बटा 3, इसको हल कर दीजिए तो x बराबर 10 माइनस 4 को 1 से गुणा करेंगे तो 4 बटा 3, तो इसको लिख सकते हैं 10 में से 4 घटेगा तो 6 बटा 3, यानी 3 दुना कितना 6, अर्थात x का मान कितना आ गया 2 आ गया। तो अतः x बराबर 2 और y बराबर 1 इस समीकरण का क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस प्रकार से प्रतिस्थापन विधि द्वारा समीकरण को हल किया जाता है। शुरू से आप लोग एक बार देख लीजिए, इस प्रकार से समीकरण 1 से तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू।